दोस्तों, धूम 4 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ गई है और करण जौहर कहते हैं अगर धूम 4 बनी तो सिर्फ शाहरुख खान के साथ ही बनेगी, क्योंकि आजकल बॉलीवुड में सबसे ज्यादा स्टारडम अगर किसी एक्टर का है तो वो है शाहरुख खान, और धूम 4 में शाहरुख खान आते हैं तो जो बवंडर, जो सुनामी और जो बॉक्स ऑफिस पर धमाके शाहरुख खान करेंगे उसको देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। दोस्तों, करण जौहर का कहना है धूम 4 की बहुत जल्द अनाउंसमेंट हो जाएगी और शाहरुख खान एक बार फिर से एक नया इतिहास लिखेंगे, और इस बार धूम 4 में आपको बहुत यूनिक किस्म की टेक्नोलॉजी यूज होती हुई नजर आएगी और शाहरुख खान को जवान और पठान से भी ज्यादा खतरनाक विलन में दिखाया जाएगा, जिसको देखकर आप भी बोलेंगे शाहरुख खान से बड़ा कोई एक्टर नहीं है। दोस्तों, पूरी इंडिया को धूम 4 की अनाउंसमेंट का इंतजार है और करण जौहर की बातों से लगता है अब वो शुभ घड़ी आने वाली है जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं। डंकी के बाद धूम 4 का क्रेज काफी ज्यादा है और विक्रम राठौड़ के धमाकेदार एक्शन के बाद हर कोई शाहरुख खान को दोबारा एक्शन करता हुआ देखना चाहते हैं, और अगर धूम 4 सिद्धांत आनंद जैसा डायरेक्टर बनाता है तो पूरा बॉक्स ऑफिस फट जाएगा, क्योंकि सिद्धांत आनंद पहले ही शाहरुख खान को पठान में बहुत खतरनाक एक्शन लुक में दिखा चुके हैं। अगर वही लुक धूम 4 में आता है और उसी के साथ धमाकेदार स्टोरी शाहरुख खान लाते हैं तो जो रिकॉर्ड की धजियां शाहरुख खान उड़ाएंगे उसको देखकर साउथ और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हिल जाएंगी और शाहरुख खान दोबारा से नंबर 1 कलेक्शन करने वाले हीरो बन जाएंगे जिसका रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, और जो रिकॉर्ड्स की धजियां शाहरुख धूम से उड़ाएंगे वो भी पूरा बॉलीवुड याद रखेगा। दोस्तों, अगर हम मीडिया की बातों को माने तो कहा जा रहा है कि धूम 4 की बजट 300 करोड़ रखी गई है, जिसमें VFX और स्टंट बाइक भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, और इसमें बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर्स की हेल्प ली जाएगी। इसका मतलब धूम 4 अपने तीनों सीक्वेंसेस से बड़ी और खतरनाक मूवी होने वाली है, और जो धूम 4 में डायरेक्शन देखने को मिलेगी वो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी, और वहीं बाइक्स और कार्स के बहुत खौफनाक एक्शन सीक्वेंसेस पर काम किया जाने वाला है जो कि देखकर पूरी दुनिया हैरान होगी। दोस्तों, शाहरुख खान की धूम 4 को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो और आपने डंकी मूवी को कितनी बार देखा है कमेंट में लाजमी बताना। और क्या लगता है आपको 2023 में जो शाहरुख ने रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं उससे भी बड़े रिकॉर्ड क्या शाहरुख खान 2024 में या फिर 2025 में बना सकते हैं, कमेंट में लाजमी लिखना। और धूम 4 में अगर शाहरुख खान के साथ रामचरण जी आ जाते हैं तो क्या होगा ये भी बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना, और शाहरुख खान के सच्चे फ्रेंड हो तो यार सपोर्ट भी करना।